व्यूअर्स, जो हमारे क्लाइंट्स लोकेशन कॉन्शियस होते हैं, लोकेशन पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो टाइम्स स्क्वायर मॉल और ऑर्चर्ड मॉल में ग्राउंड फ्लोर पे लोकेशंस अवेलेबल नहीं है। ये वो वाहिद मॉल है जिसमें इनिशियल बुकिंग प्लान के साथ आप पेमेंट प्लान के साथ चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कल्चरल डिसाइडेड बाय प्रॉपर्टीज़ से मैं हूं उमर सईद। व्यूज़, आज हम लोग मौजूद है बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 में और आपके साथ मार्केट की बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, लो बजट हाई पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं। इस टाइम हम लोग मौजूद हैं क्यू बाज़ार की साइट लोकेशन पे और जैसे आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिस वगैरह प्लेस हो चुकी हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे जो 160 फीट वाइड मेन बुलेवार्ड है, ये इस मॉल से कनेक्टेड है। आपको थ्री वे कॉर्नर का कमर्शियल प्लॉट मिल रहा है जिस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद क्यू बाज़ार की कोई भी इस मॉल में और लोकेशन नहीं है। इसकी जो बैक साइड है वो भी ऑर्चर्ड मॉल फेसिंग शॉप्स आपको मिलेंगी। जिन ब्रांड्स को कस्टमर एक्सेस करेंगे ऑर्चर्ड मॉल के बिल्कुल फेसिंग, आपके इस मॉल को भी एक्सेस करेंगे। इस तरह कोई भी लोकेशन जो है और लोकेशन में शॉप्स आपको यहाँ पर नहीं मिलती। बहुत ही प्राइम नंबर पर एंट्रेंस पर बिल्कुल ये वाकया क्यू बाज़ार की लोकेशन बन रही है। जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का गेट है। जैसे ही आप गेट से अंदर एंटर होंगे, राइट साइड पर आपके G2 ब्लॉक के 7 नंबर कमर्शियल पे इस प्लॉट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट इंशाल्लाह होगी। और सबसे बड़ा प्लॉट लेन में प्लॉट नंबर 7 है, ये कॉर्नर का प्लॉट है एक्सेस लैंड के साथ, जिसमें थ्री वे पार्किंग आपको दी जा रही है। थ्री वे पार्किंग के साथ साथ आपको यहाँ पे थ्री वे शॉप्स, जिसमें आपको डेडिकेटेड कार पार्किंग और ऑर्चर्ड मॉल फेसिंग भी शॉप्स की अवेलेबिलिटी है। व्यूज, जो हमारे क्लाइंट और इन्वेस्टर्स टैक्सेशन के हवाले से कुछ फिक्रमंद हैं, तो इस प्रोजेक्ट पे आपको बाइंग करने पे कोई भी टैक्सेशन वगैरह अप्लाई नहीं होती। फर्स्ट ऑनरशिप आपकी होगी। इजी पेमेंट प्लान के साथ आप चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई हिडन चार्जेस या टैक्सेशन आपकी इस प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं होती। ओपन फॉर्म का मकसद ये होता है कि फ़र्स्ट ऑनरशिप आपकी होती है और फर्स्ट ऑनरशिप पे इनिशियल स्टेज पे आप यहाँ पे चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा व्यूज़, अगर आपको गाइड करूँ फ्लोर प्लान से रिलेटेड, तो बेसमेंट ग्राउंड अप टू 8th फ्लोर तक इस मॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही है। बेसमेंट ग्राउंड 1st, 2nd, 3rd पे कमर्शियल शॉप्स दी जा रही हैं। 4th फ्लोर टू ऑनवर्ड्स अभी डेवलपर की तरफ से अनाउंस नहीं की गई। फ्यूचर में जैसे ही 4th फ्लोर टू ऑनवर्ड्स प्लान आएगा, इंशाल्लाह वो भी अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी। व्यूज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। कोई भी शॉप अगर आप लमसम पेमेंट पे परचेज करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको 6% एनुअल रेंटल भी स्टार्ट हो जाएगा। एक पेमेंट ब्रेकडाउन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेट्स सपोज कि अगर आप 50 लाख की कोई भी शॉप बाय करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपको जो हर महीने रेंट आएगा वो 25,000 हर माह आपको इसका रेंट वसूल होगा। पोजेशन तक ये रेंट आपको दिया जाएगा। उसके बाद डिफरेंट ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे ऑब्वियसली, तो आपको रेंट उस सूरत में बेहतर मिलेगा जब इसका पोजेशन दे दिया जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि जो चीज़ आपकी बनी नहीं है वो भी आपको रेंटल वैल्यू दे रही है, और पोजेशन के बाद उसकी रेंटल वैल्यू बहुत बेहतर होगी इनिशियल रेंटल वैल्यू से। व्यूज़, जो हमारे क्लाइंट्स लोकेशन कॉन्शियस होते हैं, लोकेशन पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो टाइम्स स्क्वायर मॉल और ऑर्चर्ड मॉल में ग्राउंड फ्लोर पे लोकेशंस अवेलेबल नहीं है। ये वो वाहिद मॉल है जिसमें इनिशियल बुकिंग प्लान के साथ आप पेमेंट प्लान के साथ चीज़ों को फाइनलाइज कर सकते हैं। टॉप लोकेशंस इस टाइम अवेलेबल हैं, टॉप कॉर्नर्स लोकेशंस अवेलेबल हैं, मेन बुलेवार्ड फेसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लॉबी की लोकेशंस अवेलेबल हैं, जिनको आप फाइनलाइज करके इजी पेमेंट प्लान के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इजी बुकिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप यहां पे बुकिंग करवा सकते हैं। आप दिए गए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपसे अवेलेबल ऑप्शंस फ्लोर के हिसाब से शेयर कर दूंगा। जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, डायरेक्ट आप डेवलपर के अकाउंट में टोकन मनी करके वो बुक करवाएंगे। रिमेनिंग अमाउंट के लिए आपको टाइम भी मिल जाएगा। आपने जस्ट टोकन रिसिप्ट मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे और आपके यूनिट को यहाँ पे मैं बुक करवा दूंगा, उसकी रिसिप्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन जो इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होंगी, वो वैलिड CNIC की फ्रंट और बैक कॉपी रिक्वायर्ड है एप्लीकेंट की। नेक्स्ट नॉमिनी की वैलिड CNIC की कॉपी रिक्वायर्ड है। मेन एप्लीकेंट की 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर रिक्वायर्ड है। ये टोटल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। ये आप मुझे व्हाट्सएप पे करेंगे तो आपकी फाइल जो है वो आपके गिवन एड्रेस पे डिस्पैच कर दी जाएगी। सेम ओवरसीज जो हमारे क्लाइंट है वो भी सेम बुकिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने यूनिट की बुकिंग करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपके क्वेश्चंस है पेमेंट प्लान से रिलेटेड, फ्लोर प्लान से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं, लोकेशन से रिलेटेड जानना चाह रहे हैं, तो दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333-111-5700। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।